हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद अफसाना। और आप सभी आज मेरे किचन में। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ डोसा का बैटर। आसानी से इसे घर में किस तरीके से बनाएं जिससे हमारा डोसा कभी भी ना बिगड़े, तो आइए हम जानते हैं इसे बनाते कैसे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर न्यू हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन बटन होगा, उसे ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलकर स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। डोसा का बैटर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 3 कप चावल। आप जो रेगुलर चावल यूज़ करते हैं आप उसे यूज़ कर सकते हैं, या तो आप चावल का आटा ले सकते हैं। 1 कप सफ़ेद उड़द की दाल ली है, 3 बड़े चम्मच बेसन लिया है, 1/2 छोटी चम्मच नमक लिया है, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बाउल ले रही हूँ जिसमें मैंने ये कप से मेजर किया है, ये टी कप है। तो इससे मैं 3 कप राइस लूंगी, तो इससे मैं 3 कप चावल लूंगी। ये देखिए, आप इसकी जगह पे चावल का आटा भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसी कप से मेजर करूंगी 1 कप उड़द की दाल। उसके बाद हम इसमें पानी डाल के अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से वॉश करके और इसको पानी से निकाल लिया है। तो एक बार मैं फिर से इसे वॉश करने के लिए पानी डालूंगी। इस तरीके से आपको 2 से 3 बार इसे वॉश करना है ताकि जो भी गंदगी रहे, जो कुछ भी रहे वो अच्छे से साफ हो जाए। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से वॉश करके इसे बाहर निकाल लिया है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे और कम से कम 8 से 9 घंटे के लिए या पूरी रात के लिए हम इसे भिगो के छोड़ देंगे फूलने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 9 घंटे हो गए हैं, ये अच्छे से हमारा फूल चुका है। तो इसे मैंने पानी से छान के बाहर निकाल लिया है। तो अब हम इसे पीस कर एक पेस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं लूंगी एक मिक्सर का जार, उसमें हम इसे डाल देंगे। थोड़ा सा डालेंगे, बहुत ज़्यादा पूरा नहीं भरेंगे वरना ये ठीक से पीसेगा नहीं। इसे हमें महीन पीसना है। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी बेसन। बेसन को हम साथ में ही पीसेंगे। आप चाहें तो पूरा पेस्ट बनाने के बाद बेसन बाद में मिक्स करें, लेकिन अगर आप साथ में पीस ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे ये ज़्यादा अच्छे से बैटर में मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बेसन डाल दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक। और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। पानी उतना डालें जितने से ये आराम से पिस जाए। तो ये देखिए, मैंने इसे पीस के इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। ये काफी महीन पिसा है। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम बाकी बचा हुआ भी पीस लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पीस के इसका अच्छे से बैटर तैयार कर लिया है। अब हम इसे मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे ये मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छे से फेंट लूंगी। आपको जब भी लगे कि ये बैटर गाढ़ा है तो आप उसमें पानी मिला के तभी डोसा बनाएं, या तो आप इसे अगर 1 दिन के लिए रख रही हैं, 1 घंटे के लिए रख रही हैं, तब तक हमारा बैटर थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। तो आप पानी मिला के इसे अच्छे से मिक्स करके उसके बाद ही आप डोसा बनाएं। तो यहाँ पे रेडी हो जाएगा हमारा डोसा का बैटर। आई होप कि मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं हम नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।